नमस्कार, मैं हूं दीननाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि इतिहास को भी पता है, जनता को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही का अगर कहीं दोबारा जन्म लेने की इच्छा होती है तो वो भारत में ही होती है। वहीं उसी कड़ी में आज एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आनंद साहू ने यहाँ तक कह दिया कि दादा प्रणव मुखर्जी जैसी शख्सियत का भी जन्म हिंदुस्तान में ही होना चाहिए। और वह बहुत आदरणीय थे, श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई नेता रहा तो वह प्रणव मुखर्जी रहे और उन्हें जीवंत भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ऐसे आदरणीय के बारे में आनंद साहू बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, तो आइए हम आनंद साहू जी से सुनते हैं। ये कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, प्रणव मुखर्जी जी का निधन होना और कोरोना के महामारी के कारण होना बहुत ही दुखद है। और मैं तो ये कहूँगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर कोई हस्ती था तो प्रणब मुखर्जी जी, जिनको जीवंत भारत रत्न का जो सम्मान है वो मिला और सभी राजनीति से ऊपर उठ करके वो देश हित के लिए कार्य करते रहे और लगातार भारत की प्रगति उन्नति और युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित रहते थे, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लड़ते रहते थे। और इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी जी केवल राष्ट्रपति के रूप में नहीं, एक भारत के लोकतांत्रिक जो मजबूती है उसका एक पिलर थे वो। और इस प्रकार का उनका जाना निश्चित रूप से ये भारत की क्षति है। और मुझे लगता है कि देश के आने वाला पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी सीखना चाहिए प्रणब मुखर्जी जी कैसे बंगाल से निकले और इतने लंबे समय तक राजनीतिक सफर में बेदाग रहे। वो सब भी बताता है कि प्रणब मुखर्जी जी का चरित्र कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनका विचार कैसा था, उनका कर्तृत्व कैसा था, वक्तित्व कैसा था। ये सारा चीज़ों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। उनका जीवन जो है बहुत ही सफल रहा, लेकिन निश्चित रूप से कोरोना के काल में जो उनका जाना, ये है बहुत बेहद दुखद रहा, क्योंकि भारत जो है उसमें कोरोना से रिकवरी का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसके बावजूद, तमाम कोशिश के बावजूद, उन्होंने बचा नहीं पाए। तो इससे हमें लगता है कि कोरोना से अभी भी सावधान रहना चाहिए, देश के तमाम लोगों को इससे सावधानी बरतना चाहिए। और प्रणब मुखर्जी जी की आत्मा जो है उसको शांति दे, भगवान सूर्य जो है उनका आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, ताकि जो है उनका ऊर्जावान जो व्यक्तित्व था उसका ऊर्जा भारत में बना रहे और पुनः उनका जन्म भारत में हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार को भी और पूरे उनके जो शिव चिंतक हैं, मित्रजन हैं, उनको भी ईश्वर शक्ति दे इस दुख की घड़ी को सहने के लिए और उनके आत्मा को बहुत बहुत शांति प्रदान करे परमात्मा।